अब ये चीज देख रहे हैं आप, इसमें कुछ अंदर कूलेंट फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू टाटा टियागो ईवी। आज टाटा मोटर्स इंडिया ने अपनी ऑल न्यू टियागो के इलेक्ट्रिक अवतार को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं आपकी नई टियागो ईवी में क्या सब कुछ आपको ऑफर किया गया है, क्या सारे फीचर्स आपको इसमें ऑफर किए गए, कितने वेरिएंट के साथ इसे लाया गया है, क्या इसकी प्राइसिंग है, क्या इसका रेंज है। आज हम आए हुए हैं टाटा मोटर्स के ऑफिशियल लॉन्च पे, समझाएंगे क्या सब कुछ आपको दिया गया है नई टियागो ईवी के अंदर। अब आपकी जो नई टियागो ईवी है ये इंडिया की सबसे ज़्यादा मैं कहूँ अफोर्डेबल प्रीमियम कार बन चुकी है। जो सारे फीचर आज की वीडियो में आप देखेंगे आपकी नई टियागो ईवी के अंदर, ये इंडिया में अभी इससे ऊपर के दो सेगमेंट में भी आपको नहीं देखने को मिलता है। सारे कनेक्टेड फीचर दिए गए हैं, सेफ्टी में आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है। साथ ही जो इंटीरियर का पूरा लेआउट है वो बिल्कुल एक मैं कहूँ ना जो सफारी के लेवल के इंटीरियर्स है वो टाटा मोटर्स ने आपको यहाँ पर ऑफर करे हैं। सबसे पहले आप चीज़ नोटिस कर रहे होंगे इस कार का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा स्लीक और प्रीमियम फील हो रहा है, क्योंकि इस कार में अब आपको नया कलर ऑप्शन दिया गया है। जो आपने सबसे पहले सफारी की लाइनअप में देखा था ट्रॉपिकल मिस्ट, बहुत शानदार कलर ऑप्शन है। और ख़ास बात यह है जो अभी ना इलेक्ट्रिक एक्सेंट के साथ उसे मैचअप किया जा रहा है तो इसके डिज़ाइन के साथ बिल्कुल बढ़िया तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो देखिए क्या कुछ आपको ऑफर किया गया है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आपको फ्रंट में टाटा मोटर्स का बढ़िया सा लोगो मिलेगा, एक बढ़िया सी आपको यहाँ पर पियानो ब्लैक के साथ ग्रिल ऑफर की गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लीक लुक के साथ है। डॉट ईवी की ब्रांडिंग मिलेगी, साथ ही यहाँ पर काफ़ी प्यारी सी आपको देखिए मैट फिनिश के साथ दी गई है, एक इलेक्ट्रिक ब्लू थीम बनाने के लिए बढ़िया सी यहाँ पर एक ह्यूमैनिटी ग्रिल ऑफर की गई है। अब इस कार में देखिए कोई भी पेट्रोल डीजल इंजन ऑफर नहीं किया गया है, फुली इलेक्ट्रिक कार है तो जो एक एयर कूलिंग का रिक्वायरमेंट है वो भी इस गाड़ी को कम रहती है, तो इसीलिए फ्रंट के लुक को काफ़ी ज़्यादा एरोडायनामिक बनाया गया है जिससे आपको बेटर रेंज मिल पाए, गाड़ी में जो नॉइजेज़ है बाहर के वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो पाए और जो गाड़ी का लुक है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होगा। साथ ही यहाँ पर आपको हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प ऑफर किए गए, नॉर्मल हेडलैम्प्स दिए गए, टर्न इंडिकेटर देखेंगे, स्मोक डाउट आपको पूरा ट्रीटमेंट मिलने वाला है, साथ ही नीचे फॉग लैम्प मिलेगा उसमें भी आपको इलेक्ट्रिक ब्लू की पूरी थीम मिलेगी और ये कुछ आप डीआईएल नोटिस कर रहे हैं। तो ये कुछ रहा कार के फ्रंट के लुक। अब देखिए इस कार की साइड प्रोफाइल को, ये तो यहाँ पर भी आपको डॉट ईवी की ब्रांडिंग मिलने वाली है क्योंकि देखिए ना आज का लॉन्च कुछ टाटा मोटर्स ऐसे कर रहा है गो डॉट ईवी टियागो डॉट ईवी, तो कुछ एक ब्रांड फिलॉसफी है कि इससे ना जो आपका मोबिलिटी है जो आप डेली ड्राइव करते हैं कार को वो आपकी ज़्यादा बढ़ने वाली है। जैसे कि टाटा मोटर्स क्लेम कर रहा है इस कार की जो रनिंग कॉस्ट है वो है 1.1 रुपीज़ पर किलोमीटर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल, जिससे कि जो आपकी मोबिलिटी है वो डेली ड्राइव्स में बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट के साथ आप कर पाएंगे। तो वही सब एक फंडा है कि आपको एक सस्ता मैं कहूँ ना मोबिलिटी सॉल्यूशन दिलाना चाहती टाटा मोटर्स यहाँ पर। और गाड़ी के साइड की प्रोफाइल में आप नोटिस करेंगे क्योंकि ये इसका टॉप एंड मॉडल है तो यहाँ पर आपको जो व्हील कवर मिलेंगे वो थोड़े से स्पोर्टी दिए गए, इसमें कुछ यहाँ पर सिल्वर फिनिश देखने को मिलेगी। अपोलो के टायर है 175/65 रेडियल 14 का आपको व्हील मिलने वाला है, स्टाइल रिम व्हील है यानी कि स्टील रिम है उसमें आपको व्हील कवर दिया गया, बढ़िया तरीके से लगनट्स है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक ऑफर किए गए। और गाड़ी के साइड की प्रोफाइल से देखेंगे तो यहाँ पर भी एक डॉट ईवी की ब्रांडिंग है। गाड़ी में देखेंगे ना ब्लैक कॉन्ट्रास्ट के साथ आपको रूफ दी गई है जो कि फुल पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है, एक यहाँ पर आपको नॉर्मल रेडियो एंटीना है। अब इस कार में अगर यहाँ पर शार्क फिन एंटीना होता और बढ़िया लुक्स आ सकते थे, बट बहुत बढ़िया लुक दिए गए यहाँ भी। अभी आप देख रहे हैं आपकी नई टियागो ईवी के रियर की प्रोफाइल को, टियागो डॉट ईवी की ब्रांडिंग आप दोबारा नोटिस करेंगे, मतलब कुछ लग रहा है कि थोड़ा सा ना एक ज़्यादा ही बढ़िया सा यहाँ पर कुछ देने की कोशिश करी है। बढ़िया सा टाटा का लोगो है, बूट लिड ओपन करने के लिए बढ़िया सा यहाँ पर इलेक्ट्रिक एक्चुएटर दिया गया, साथ ही यहाँ पर आपको रियर पार्किंग कैमरा है, पीछे वॉशर वाइपर डिफॉगर सब कुछ आपको ऑफर किया गया, साथ ही वोकल फॉर लोकल। अभी टाटा मोटर्स अपनी कुछ जनरेशन ऑफ कार्स के साथ चल रहा है, जैसे कि अभी जो कार्स आप देख रहे हैं नेक्सॉन, नेक्सॉन ईवी मैक्स, साथ ही टिगोर ईवी, और जो ये इनका चौथा प्रोडक्ट है जिसका नाम है टियागो ईवी, ये सारी गाड़ियाँ जनरेशन 1 प्लेटफॉर्म पे है। तो इनमें क्या सब कुछ है वो भी समझाएंगे आपको, साथ ही जो अभी जनरेशन 2 आने वाली है 2024 में जो कि कॉब और ये सब कुछ आप देखेंगे, साथ ही जो जनरेशन 3 है जिसका नाम होने वाला है अवनिया की सीरीज़ में, तो वो सब कुछ भी क्या क्यूज है यहाँ पर इंप्रूवमेंट आप देखेंगे। बाकी यह है गाड़ी के पीछे का बूट, मैं कहूँ 240 लीटर के आसपास का बूट स्पेस आपको नॉर्मली देखने को मिलता है। और यहाँ पर टियागो डॉट ईवी की दोबारा से ब्रांडिंग है, साथ ही देखेंगे कुछ यहाँ पर इतना स्पेस है, इसके नीचे ना पूरा जो बैटरी कंपार्टमेंट है वो प्लेस किया गया है और मेन बात उसी की करनी है हमें। और इंटीरियर भी एक नज़र डाल लीजिए किस तरीके के इंटीरियर दिए गए। अब इस कार को मैं कहूँ इंडिया की सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्रीमियम कार मैंने कहा था,
प्रीमियम भी लगाया गया है और अफोर्डेबल भी लगाया गया है। प्रीमियम इसलिए लगाया गया क्योंकि इंटीरियर्स बहुत प्रीमियम दिए गए। अफोर्डेबल इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसके स्टार्टिंग प्राइस टाटा मोटर्स ने रखी है 8.49 लाख रुपीज़, यानी कि ये गाड़ी आपको 8.5 लाख रुपये से भी कम एक शोरूम में कॉस्ट करेगी। इन द रेंज ऑफ 9.5 से लेकर 10 लाख रुपये आपको ये गाड़ी ऑन रोड कॉस्ट करने वाली है, जो कि अभी के टाइम पर इंडिया में बहुत ही ज़रूरत थी कि कुछ अफोर्डेबल सॉल्यूशन आपको मिले। इसमें भी अब प्राइसिंग डिपेंड करती है आप किस तरीके का बैटरी पैक लेते हैं। इसमें आपको दो तरीके के बैटरी पैक दिए गए, कितनी रेंज आप चाहते हैं। अगर आपको 19.2 किलोवाट का बैटरी पैक चाहिए तो वो आपको ऑफर किया जाएगा, जिसमें टाटा मोटर्स क्लेम कर रही है 250 किलोमीटर की रेंज। और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी वाला पैक चाहिए, जो कि 24 किलोवाट आर का बैटरी पैक है, 24 किलोवाट आर का, उसमें टाटा मोटर्स क्लेम कर रही है 315 किलोमीटर की रेंज। और एक तरीके से देखिए ना, 315 किलोमीटर की रेंज एक तरीके से नेक्सॉन की याद दिला रही है, जहाँ पर नेक्सॉन में 312 किलोमीटर की रेंज आती थी, जिससे समझ आता है गाड़ी को कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाया गया है। अब एक और चीज़ देखिए, जो आपकी 19.2 किलोवाट वाला पैक होगा वो आपको टियागो ईवी के XE मॉडल, जो कि इसका बेस मॉडल है, कॉस्ट है 8.49 लाख रुपीज़, और XT मॉडल जो कि है 9.09 लाख रुपीज़ में कॉस्ट किया गया, सिर्फ इन्हीं दो मिनट में मिलने वाला है। और साथ में आपको 3.3 किलोवाट का AC चार्जर मिलेगा। जो मेन कहानी स्टार्ट हो रही है, जहाँ पर आपकी प्रैक्टिकलिटी भी बढ़ जाएगी, गाड़ी को यूज़ करना आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा, वहाँ पर जब आप इसके बड़े बैटरी पैक को लेंगे, जो कि 24 किलोवाट आर का है, जिसमें आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, 3.2 किलोवाट AC चार्जर भी आप लगा सकते हैं और 7.2 किलोवाट AC चार्जर भी लगा सकते हैं। दोनों में चार्जिंग टाइम में लगभग डबल का डिफरेंस है, यानी कि 7.2 किलोवाट वाला चार्जर बहुत तेज़ी से आपकी कार को चार्ज करेगा। किस तरीके की वैल्यूज़ है आगे आपको समझाऊंगा, बट प्राइसिंग में भी बहुत डिफरेंस है। अगर आप 24 किलोवाट आर के साथ जाना चाहते हैं तो आपको जो बेस मॉडल ऑफर किया जाएगा वो फिर XT मॉडल से स्टार्ट होगा, जिसकी एक्सशोरूम प्राइस है 9.99 लाख रुपीज़, लगभग 10 लाख रुपये। और उसी के साथ अगर आप 7.2 किलोवाट AC लेना चाहते हैं तो वहाँ पर उस चार्जर के साथ आपको 24 किलोवाट का बैटरी पैक XZ प्लस मॉडल में ही मिलेगा केवल, जिसकी एक्सशोरूम प्राइस है 11.29। बाकी गाड़ी बाहर से कुछ ऐसी दिखाई देती है, रिम्स देखेंगे बढ़िया तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके साथ पीछे भी काफ़ी स्पोर्टी एलिमेंट्स है, और साथ ही ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस में क्या कुछ किया गया है, एक बार इसके नीचे चल के देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ना, अब इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना है ऑफिशियली टाटा मोटर्स ने क्लेम नहीं किया है, बट जिस तरीके से मुझे लग रहा है 160 मिलीमीटर के रेंज में है। साथ ही जो पोर्टेबल चार्जर है ये वही दिया जाएगा जो कि आपको नेक्सॉन, टिगोर और इन सब गाड़ियों में मिलता है, 13 एम्पियर का है, लगभग 6 से लेकर 9 घंटे ले लेता है किस हिसाब की आपकी चार्जिंग अभी बैटरी बची हुई इंटीरियर्स में चलता है। यहाँ पर देखिए कुछ हाईलाइट्स, यहाँ पर ब्लैक शेड के साथ पियानो दिए गए, ये क्रोम नहीं है, फुल ब्लैक में दिया गया, और साथ ही यहाँ पर भी एक रिक्वेस्ट बटन मिलेगा। बाकी डोर्स में काफ़ी अच्छा वेट मिलेगा, अब जैसे सेफ्टी सेंस में भी कार आपको ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग के साथ ऑलरेडी आ चुकी है। तो ये कुछ रही गाड़ी बाहर से, आइए चलते हैं कार के अंदर। यहाँ पर भी कुछ वही ट्रॉपिकल मिस्ट शेड है। तो ये कुछ आप देख रहे हैं ऑल न्यू टियागो इलेक्ट्रिक के इंटीरियर्स को। इंटीरियर्स में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ जो हाईलाइट्स है वही आपको देखने को मिलेंगे। बाकी भाई साहब अंदर बैठ के बहुत कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि अब इसमें आपको जो लेदरेट सीट्स है वो दे दी गई है। मैंने स्टार्टिंग में कह दिया ना, जो सफारी के लेवल का कंफर्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब वही चीज़ है बिल्कुल, जो प्रीमियम फिनिश है ना, जो सफारी और हैरियर और जो नेक्सॉन ईवी है, वही रेंज वही चीज़ आपको यहाँ पर बना के दे दी गई है। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक एलिमेंट्स दिए गए, और ये कुछ आपको इलेक्ट्रिक ब्लू थीम है। ये आपको 17.78 सेंटीमीटर की वही सिमिलर स्क्रीन है, कोई चेंजेस नहीं किए गए। उम्मीद है कि आगे कुछ चेंजेस आए, बट अभी कोई चेंजेस नहीं है। टोटल इस गाड़ी में आपको 8 स्पीकर देखने को मिलते हैं, हार्मन ट्यून्ड आपको पूरा म्यूजिक सिस्टम मिलेगा। और यहाँ पर देखिए ये क्लस्टर में भी बहुत कुछ है, इसको समझिए। एक तो देखिए इसमें बैटरी परसेंटेज आप देखेंगे, जो कि यहाँ है, टोटल रेंज 166 किलोमीटर इसलिए दिखा रहा है, इतनी कम इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो इसका एवरेज इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है ACE, वो अभी थोड़ा ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, इसको लगभग 100 से नीचे होना चाहिए, तब ये गाड़ी आपको पूरा लगभग 300 किलोमीटर की रेंज देने वाली है। क्योंकि इस गाड़ी में आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिलती है, और वो भी वेरिएबल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, यानी कि अगर आप ये देखिए समझ रहे हैं आप, अगर 1 पे है, अगर 0 पे है तो गाड़ी रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं करेगी, यानी कि अगर आप जैसे ही एक्सेलेटर पैडल को छोड़ देंगे, अब देखिए क्योंकि गाड़ी फुली ऑटोमेटिक है, इलेक्ट्रिक है, जैसे ही आप एक्सेलेटर पैडल को छोड़ देंगे तो ये गाड़ी बिल्कुल एक न्यूट्रल की तरफ फील कराएगी आपको, किसी प्रकार का आपको रेजिस्टेंस फील नहीं करेगी। और जैसे ही मैं रीजन को 1 पे ला दूंगा, 1 स्टेज में ला गया, तो हल्का सा रेजिस्टेंस आपको फील होगा, जिससे होगा क्या कि जो आपके कार का मोमेंटम है, जो गाड़ी में मैकेनिकल एनर्जी है, उससे जो आपकी गाड़ी में मोटर्स लगी है वो एक जनरेटर का काम करेगी, और वो एनर्जी दोबारा आपकी बैटरी में भेजेगी, जिससे थोड़ा सा आपको ब्रेकिंग भी मिलेगा और आपकी जो रेंज है वो भी बढ़ेगी। जैसे रीजन में थोड़ा और बढ़ाऊँगा तो आपको
थोड़ा सा रेजिस्टेंस और ज़्यादा फील होगा, आपको ब्रेक लगाने की कम जरूरत होगी और आप सिर्फ एक्सेलेरेटर पैडल से ही गाड़ी को चला पाएंगे और आपकी रेंज भी ज़्यादा बढ़िया होगी और एक तरीके से ओवरऑल फ़ायदा आप ही का है। बाकी यहाँ पर थोड़ा बहुत इंडिकेशन दिखाता है। इस साइड देखेंगे डायल सेलेक्टर, तो न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट्स और रिवर्स मोड है। बाकी अभी गाड़ी बिल्कुल रेडी मोड में है, यानी कि जैसे ही हम ड्राइव में डालेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी जैसे एक नॉर्मल ऑटोमेटिक गाड़ी बढ़ती है। इस साइड देखिए यहाँ पर आपको फुल लेदरेट के फंक्शन दिए गए और टोटल देखिए डी कट स्टेयरिंग व्हील दिया गया है। यहाँ पर आपको कुछ ग्रे शेड में ग्लॉसी मटेरियल दिया गया, आपको टाटा का बढ़िया सा लोगो मिलेगा, क्रूज कंट्रोल ऑफर किया गया। मेन चीज़ देखिए यहाँ पर आपको सारे जो स्पीकर और ये सारी चीज़ें ये ऑफर की गई है। स्टेयरिंग में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी लोगों को लग सकता है कि इसमें रीच का फंक्शन नहीं दिया गया, सिर्फ टिल्ट का दिया गया। बट जिस हिसाब से सीटिंग का लेआउट है और यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टिंग का फंक्शन है तो वो आपको शिकायत ज़्यादा नहीं फील होगी। इनका जो डिज़ाइन है स्टार्टिंग से बहुत पसंद आता है। बाकी गाड़ी एक हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है तो आपको ज़्यादा बोनेट और ये चीज़ें नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है, काफ़ी बढ़िया ग्लास एरिया है। यहाँ पर जो IRVM दिया गया है ये आपको डे नाइट फंक्शन दोनों देखने को मिलता है। बाकी ये सेंटर कंसोल फुली ऑटोमेटिक AC इसके बेस मॉडल से मिलता है, ये आप नोटिस करिएगा। गाड़ी में स्टैंडर्ड फीचर बहुत सारे हैं जो बेस मॉडल से टाटा मोटर आपको दे रही है, कोई भी आर्मरेस्ट यहाँ पे नहीं है। उसी के साथ यहाँ पर देखेंगे पार्किंग ब्रेक बढ़िया सा क्रोम टिप के साथ आता है। उसी के साथ यहाँ पर आपको वही जो पहले ही आपको मिलती थी ना, कोई चेंजेस नहीं किए गए। इसमें थोड़ा उम्मीद थी कि कुछ चेंजेस हो, बट जहाँ भी अभी भी वही ऑफर की गई है। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसकी मोटर डिपार्टमेंट की और बैटरी के बारे में समझाएंगे, रेंज को थोड़ा समझ लेंगे और जो चार्जिंग सेटअप है उसको हल्का सा आपको बता दूंगा कितना डिफरेंस आपको किस चीज़ से मिलने वाला है। यहाँ पर देखेंगे ORVM आपको फुली फोल्डेबल और ये सारे फंक्शन बेसिक मिलने वाले हैं। डोर पैनल में नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको जो एक बेज शेड है उसके साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया गया, साथ में ये कुछ टेक्सचर दिया गया। यहाँ पर किसी प्रकार का सॉफ्ट टच नहीं है तो यहाँ पर सॉफ्ट टच दिया जा सकता था। थोड़ी बहुत स्पेस है, स्पेस बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज की गई है और गाड़ी का जो इंग्रेस ईग्रेस है बढ़िया खुलता है। डोर्स में काफ़ी सॉलिड फील आपको देखने को मिलेगी। अब आपको ले चलते हैं इसकी इंजन बे की ओर। तो भाई साहब ये थोड़ा सा ना जिस तरीके का नेक्सॉन में प्रीमियम सा सेटअप आता है वैसा कुछ कवरिंग यहाँ नहीं दी गई है, बट फिर भी काम सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो भी आप सारी यहाँ पर ऑरेंज वायरिंग्स देख रहे हैं ये सारी हाई वोल्टेज वायरिंग्स है क्योंकि इस कार को टाटा मोटर्स के जिप्ट्रॉन प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया है। अब ये चीज़ देख रहे हैं आप, इसमें कुछ अंदर कूलेंट फ्लोर है, यानी कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको वाटर कूल्ड किया गया है जिससे गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल मैनेज रहे, कोई भी फायर हजार्ड या फिर एक तरीके से ना बैटरी एक्सप्लोजन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाए और सेफ्टी इंश्योर होती है आपकी। यहाँ पर जो नॉर्मल 12 वोल्ट की बैटरी है उसको प्लेस किया गया है, जो मेन बैटरी है वो मैंने आपको पीछे दिखा दी कि पीछे प्लेस की गई है। एक और देखिए, एक और कूलेंट है, यानी कि मोटर और आई थिंक बैटरी दोनों के लिए सेपरेट कूलिंग सिस्टम बनाया गया है। और ये जो आप सारा देख रहे हैं ना ये इसकी मोटर का सिस्टम दिया गया है जो कि यहाँ पर उसका पूरा मोटर कंट्रोलर और साथ ही नीचे इसकी मोटर दी गई है। मोटर भी आपको इसमें दो तरीके की मिलने वाली है, किसी प्रकार का यहाँ पर ना इंसुलेशन नहीं है क्योंकि गाड़ी बिल्कुल साइलेंट आपको दी गई है और इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब समझते हैं किस हिसाब की मोटर्स यहाँ पर आपको प्लेस करते हुए मिलेगी। अब मैंने आपको बताया कि जैसे ये गाड़ी दो तरीके की वेरिएंट में लाई गई है, यानी कि एक है 19.2 किलोवाट वाला वेरिएंट जिसमें छोटी बैटरी मिलेगी, कम रेंज मिलेगी, और एक है 24 किलोवाट आर वाला वेरिएंट जिसमें बड़ी बैटरी, बड़ी रेंज, ज़्यादा प्राइसिंग और ज़्यादा दमदार मोटर्स, समझिए क्या पावर है। तो अगर आप छोटी जो बैटरी पैक वाला वेरिएंट लेंगे जिसमें आपको 19.2 किलोवाट का बैटरी पैक मिलेगा, उसमें जो मोटर्स है ये 45 किलोवाट आपको ऑफर करेगी पावर और 110 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क होगा, यानी कि थोड़ा कम आपको फील हो सकता है। 45 किलोवाट मतलब लगभग 60 हॉर्स पावर के आसपास। और अगर आप 24 किलोवाट आर वाला पैक वाला वेरिएंट लेंगे जिसकी प्राइसिंग आपको सबको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी, उसमें आपको पावर मिलेगी 55 किलोवाट की, लगभग 10 किलोवाट ज़्यादा बड़ी मोटर मिलेगी और जो लगभग 75 हॉर्स पावर के आसपास देने वाली है पावर, और साथ ही 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी में जो टॉर्क है वही मेन चीज़ होती है जो कि आपको लगभग सिमिलर लग रही है, यानी कि अगर आप टियागो EV का बेस मॉडल भी लेते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी परफॉर्मेंस में, लगभग आपको परफॉर्मेंस सिमिलर फील होगी। हाँ, अगर टॉप एंड की बात की जाए, ज़्यादा गाड़ी अगर आप पुश करेंगे तब जो लॉन्गर बैटरी पैक वाला वेरिएंट है उसमें ज़रूर आपको बढ़िया पावर फील होगी, बाकी जब ड्राइव करेंगे फिर पता चलेगा, बट अभी यही कुछ लग रहा है। गाड़ी के ओवरऑल लंबाई की बात करें तो 3.7 मीटर की ओवरऑल लंबाई है। ग्राउंड क्लियरेंस का फिगर बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है मेरे सामने। बूट स्पेस मैंने आपको बताया 240 लीटर का बूट स्पेस है, 2400 मिलीमीटर का इसका व्हील बेस सामने आ रहा है जो कि बिल्कुल इनफ है इसके हिसाब से। स्पेस की इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी मैंने आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जो इसमें चार्जिंग सॉकेट दिया गया है ये CCS2 स्टैंडर्ड के ऊपर बेस है, यानी कि सारे जो सिस्टम्स टियागो
टिगोर, नेक्सॉन, नेक्सॉन ईवी मैक्स, सब में सेम फॉलो करेंगे। यानी कि अगर आपके ऑफिस, सोसाइटी, कहीं पर भी कोई सा भी चार्जेस लगा हुआ है तो वो इसमें वैसे ही काम करेगा जैसे उन गाड़ियों में कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें आपको फास्ट एसी और फास्ट डीसी दोनों चार्जिंग सेटअप मिलते हैं। इसमें एक आपको 3.3 किलोवाट का सेटअप मिलेगा जो कि बॉक्स टाइप चार्जर होगा, आपके घर पर ही इंस्टॉल किया जाएगा। और एक है 7.2 किलोवाट का एसी फास्ट चार्जर, वो भी आपके घर पर सेटअप किया जाएगा। लेकिन जो 7.2 किलोवाट का एसी फास्ट चार्जर है वो केवल आपको एक्जी प्लस और एक्जी प्लस टेक्नोलॉजी लग्जरी वेरिएंट में मिलेगा, यानी कि जो टॉप के दो वेरिएंट है, और जो 3.3 है वो तो बेस से ही मिलता आ रहा है। अगर आप 3.3 किलोवाट को समझने की कोशिश करेंगे तो वो नॉर्मल आपके जो घर में 15 एम्पियर का सॉकेट है उसके साथ ही काम करेगा। अगर वो आपकी बैटरी 10% है, आप उसको 100% करना चाहते हैं, तो वो लगभग आपके 7 घंटे ले लेगा 3.3 वाला। अगर आप 7.2 से करने की कोशिश करेंगे तो उसमें, क्योंकि बड़ा बैटरी पैक भी है, वो भी आप नोटिस करिएगा, उसमें आपको 19.2 किलोवाट है, उसमें आपको 24 है, तो जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है, लगभग आपको 8.5 घंटे का टाइम लगने वाला है 24 को चार्ज करने में, और वहाँ पर 7 घंटे का टाइम लग रहा है 19.2 किलोवाट वाले पैक को चार्ज करने में। ऐसा साइड बाय साइड कंपेयर नहीं होगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिए जो 7.2 वाला चार्जर होगा वो लगभग दुगनी तेज़ी से चार्ज करने वाला है। तो मतलब सब कुछ आपके रिक्वायरमेंट में डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो रोज़ आप 100-150 किलोमीटर चलाइए, तो आप इसके बेस मॉडल वाले बैटरी पैक को ले सकते हैं। और अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो 225 किलोमीटर चल जाए, और तो आप ले सकते हैं इसके टॉप एंड वाले वेरिएंट को जिसमें आपको 24 किलोवाट का सेटअप दिया गया है। बाकी ड्राइव करेंगे इसको, देखेंगे रियलिस्टिकली हम कितना बढ़िया इस तरीके से रेंज निकाल सकते हैं, किस तरीके की इसकी हैंडलिंग है, क्या सस्पेंशन में चेंजेस किए टाटा मोटर्स ने, वो सब कुछ आपको बताएंगे। बाकी गाड़ी अभी सेफ्टी सेंस में मैंने आपको बताया बिल्कुल ज़बरदस्त बनाई गई है, किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पर सेफ्टी में तो कोई इशू नहीं है। बाकी अगर आप इस सिस्टम की वर्किंग की बात करें तो ट्राइड एंड टेस्टेड हो चुका है, नेक्सॉन में आ गया है, नेक्सॉन ईवी मैक्स में आ चुका है, टिगोर ईवी में आ चुका है, और जिस तरीके से टाटा मोटर्स कह रही है अभी हमारी करीब 40,000 प्लस इलेक्ट्रिक कार बिक चुकी है, जो कि टोटल 50 करोड़ किलोमीटर इंडिया की रोड में चल चुकी है, जिससे पता चलता है कि गाड़ी ट्राइड एंड टेस्टेड हो चुकी है। और जो सॉफ्टवेयर ग्लिचेस नॉर्मली इलेक्ट्रिक कार्स में आते हैं वो अब बहुत कम चांसेस है इन गाड़ी में आपको देखने को मिले। और यहाँ पर पूरा सीटिंग देखेंगे ना, नॉर्मल टियागो में आपको फैब्रिक सीटें मिलती है, इसमें बिल्कुल प्रीमियम है। बैठ के देखते हैं अंदर। तो भैया यहाँ पर पहले तो देखिए इसके फ्रंट के डैशबोर्ड को, बढ़िया सा सेटअप मिलने वाला है आपको, एक सेटअप जो बनाया गया है ना, पूरा लेआउट पूरा बढ़िया दिया गया है। तो मिलता है इसके नई वीडियो के साथ। रेंज मैंने आपको बताई कि 250 किलोमीटर के आसपास का रेंज टाटा मोटर्स क्लेम कर रही है अपने स्मॉलर बैटरी पैक के साथ, 8.5 लाख रुपये एक्सोर उसके बेस मॉडल की कीमत है। तो मिलता है इसके नई वीडियो के साथ, तब तक ले जाए हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।